दोस्तों, माँ सरस्वती की कृपा से सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से हाल ही में दिल्ली पुलिस मेल एंड फीमेल के लिए रिजल्ट जारी किया गया है। और अब जितने भी कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जितने भी कैंडिडेटों ने अपना जो है रिटन एग्जाम पास किया है, उन कैंडिडेट के दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे। एंड बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, किस तरीके से इसका जो है सिलेक्शन आगे बढ़ेगा, पहले मेरिट लिस्ट बनेगी या फिर पहले मेडिकल होगा या फिर पहले जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। ये बहुत सारे जो है कैंडिडेट के सवाल हैं, तो उन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही मैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि माँ सरस्वती की कृपा से आप हमारे चैनल को एकदम से फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में आने वाले घंटे के बटन को जरूर दबा लें ताकि माँ सरस्वती की कृपा से आगे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहेगी एंड जो आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर रखी जाएगी दिल्ली पुलिस के लिए वो क्या रहेगी, फिजिकल एडमिट कार्ड आपके कब तक आ सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही में आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी जो है जल्दी शुरू कर दो फिजिकल के लिए। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड जान लेते हैं जो हमारी आज की टॉप लेटेस्ट जानकारी है उसकी अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे रूमर्स ऐसे फैल रहे हैं कि मतलब फिजिकल इतने तारीख को होगा, फिजिकल को पीछे किसका दिया गया है, दिल्ली पुलिस का फिजिकल अभी नहीं होगा क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इसे पोस्टपोन किया जाएगा। बहुत सारे जो है ऐसे रूमर्स फैला रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं ऐसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता करके कि 75 कट ऑफ जाएगी, 85 कट ऑफ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप खुद को डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि अभी जो आपने अपना जो सिलेक्शन लिया है वो 15 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर दिल्ली पुलिस की एग्जाम दी थी, 15 लाख कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया था और 15 लाख कैंडिडेट में से आप जो है अपने यहाँ पर सिलेक्शन किया है 67,000 कैंडिडेट के अंदर। तो जब आप 67,000 कैंडिडेट को मतलब कि आपने 15 लाख में से 14.5 लाख कैंडिडेट को आप जो है लगभग 14.5 लाख कैंडिडेट को पीछे छोड़ करके 67,000 कैंडिडेट के अंदर आ चुके हैं, तो आप मतलब खुद को डिमोटिवेट मत होने दो, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे बता रहे हैं कि जो फिजिकल है उसको जो है 27 अप्रैल को होना था लेकिन अभी जो है पीछे खिसका दिया है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फिजिकल की डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि 1 अप्रैल को यहां पर जो है एक मीटिंग की गई थी दिल्ली पुलिस की, जो कि दिल्ली पुलिस एग्जाम से रिलेटेड ही वो मीटिंग थी, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। हालांकि वो मीटिंग जो है टाइम पर हुई थी, 1 अप्रैल को वो मीटिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद में उसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि इसके जो दिल्ली पुलिस में जो मीटिंग थी उसकी क्या मतलब उसमें क्या डिसीजन लिया गया था, ये कोई भी अपडेट वहां से निकल करके नहीं आई है सामने। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जब आप 15 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर पीछे छोड़ करके 14.5 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर पीछे छोड़ करके और अपना सिलेक्शन 67,000 के अंदर कर चुके हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि 67,000 कैंडिडेट में से निकल के आप 6,000 कैंडिडेट के अंदर नहीं आ सकते। सो फ्रेंड्स, आपको जो है आपके फिजिकल की तैयारी, जो मैं कहना चाहूँगा कि फिजिकल की तैयारी जितने भी कैंडिडेट ने किया, अगर ये 67,000 कैंडिडेट मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो 67,000 कैंडिडेट ही जो है अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आपने यहाँ पर जो है अपना सिलेक्शन ले लिया है। सो अब बात करते दोस्तों यहां पर जो है एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब 20 अप्रैल तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 10 अप्रैल तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे उससे करीब 20 दिन पहले एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपके फिजिकल जो है इतने तारीख से आपके जो है फिजिकल कंडक्ट करवाए जाएंगे, जितनी भी तारीख आपको यहां पर फिजिकल के दी जाएगी वो फिजिकल की डेट आपको जो है यहां पर बता दी जाएगी। साथ ही में यह बता दिया जाएगा कि आपका फिजिकल जो स्टेडियम है वो कहां कहां पर है और कहां कहां पर आपके फिजिकल्स होने वाले हैं, कितने तारीख से आपके फिजिकल्स होंगे। सो आपको जो है पहले एक फिजिकल के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके जानकारी दी जाएगी। साथ ही में फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपनी जी जान से जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो,
क्योंकि किस कोई भी मतलब फिजिकल है उसके लिए आपको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके आपको जो है 1.5 महीने का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। 1 महीना और 15 दिन का टाइम ये आपके लिए बहुत मैक्सिमम होता है किसी भी फिजिकल को क्लियर करने के लिए। सो आपको जो है इंतजार नहीं करना है। जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर अपना फिजिकल क्लियर किया है उन सभी कैंडिडेट को मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ सरस्वती की कृपा से आप अपना फिजिकल क्लियर कर चुके हैं, तो माँ सरस्वती की कृपा से जो है आप अपना फिजिकल की प्रिपरेशन भी अच्छे से करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने मतलब आपके नंबर कम हैं और आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कि कैंडिडेट फिजिकल ही ना कर पाएं और उस जगह पर अगर आप अगर फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए तो आप इन 67,000 के अंदर से यहां से निकल जाओगे। सो आपको जो है अपना फिजिकल क्लियर करना है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपना फिजिकल क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फिजिकल में जो है रेशियो रहता है वो रहता है दोस्तों, यहाँ पर अगर 50 कैंडिडेट का अगर फिजिकल करवाया जाता है तो उसमें से सिर्फ 10 कैंडिडेट ही जो है फिजिकल को क्वालिफाई कर पाते। सो फ्रेंड्स आपको जो है इस रेशो के अंदर आना है, आपको अपना फिजिकल जो है क्लियर करना है। क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर जो कैंडिडेट फिजिकल क्लियर करेंगे वो करीब ये 67,000 के अंदर से करीब 10,000 कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो ये फिजिकल क्लियर कर पाएंगे। इन 10,000 के अंदर अगर आप आ गए तो फिजिकल के अंदर मतलब इन 10,000 कैंडिडेट के आने के बाद में आपका जो है एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आपके जो है करीब 7,000 कैंडिडेट के अंदर आ जाएंगे, मतलब कि 7 नहीं तो 8,000 कैंडिडेट के अंदर आप यहां पर आ चुके होंगे। अब फ्रेंड्स आपका जो है मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, इस जगह पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है, आपका जो है मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड जैसे ही आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया जाएगा तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट होंगे उनमें से सिर्फ 6,000 कैंडिडेट यहाँ पर बचकर के सामने आएंगे। और जब बचकर के 6,000 कैंडिडेट सामने आएंगे तो इनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ताकि जो एग्जैक्ट जितने भी वैकेंसीज यहाँ पर खाली हैं उन पर जो है कैंडिडेट को जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सके। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक मतलब इनमें से जो है कुछ कैंडिडेट को मतलब लगभग 300 से 400 कैंडिडेट को जो है मेरिट लिस्ट के लिए रख दिया जाएगा ताकि जो है जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर किसी कारणवश या फिर वो कोई अपनी अच्छी जॉब ले चुके हैं या फिर कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता दिल्ली पुलिस को, तो उनकी जगह पर जो ये जितने भी कैंडिडेट बचते हैं 300-400 कैंडिडेट इनको जो है पदस्थापित किया जा सके, मतलब कि उनकी जगह पर इनको ले लिया जा सके। सो इस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। अभी हम बात करते हैं जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, जो हमारा सॉरी फ्रेंड्स जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो हमारी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो फ्रेंड्स देखिए ये जितने भी कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया गया था उसकी एक लिस्ट है। तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये लिस्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 12 गुना कैंडिडेट को जो है फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है, मतलब कि 12 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों जो आपके यहाँ पर जो कट ऑफ रही है दोस्तों वो बहुत ही कम कट ऑफ रही है, मतलब 51 रही है EWS की, SC की भी 51 रही है, ST के लिए 55 कट ऑफ रही है, OBC के लिए 58 रही है और जनरल कैटेगरी के लिए 61 कट ऑफ यहां पर रखी गई है फॉर मेल कैंडिडेट के लिए। इसी के साथ में दोस्तों जो एक्स-सर्विसमैन कैंडिडेट है उनकी भी आप यहां से कट ऑफ चेक कर सकते हैं फॉर अदर्स के लिए और कमांडो के लिए। सो ये भी कट ऑफ जो है आपकी रही है, ये भी बहुत कम कट ऑफ रही है। अब इसी के साथ में हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के लिए जो कट ऑफ है EWS के लिए 30 रही है, SC के लिए 39 रही है, ST के लिए 39 रही है, OBC के लिए 44 और जनरल के लिए 48 कट ऑफ यहां पर रखी गई है। अभी बात करते हैं दोस्तों हम यहां पर EWS कैटेगरी के लिए कट ऑफ की। सो फ्रेंड्स अगर आपकी कट ऑफ यहां पर 51.75 है तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो आपकी फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी वो फ्रेंड्स आपकी यहां पर मतलब 52 से और 55 के बीच में आपकी यहां पर कट ऑफ को रखा जाएगा, मतलब इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी बिल्कुल नहीं होने वाली है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे मतलब 52 से 55 नंबर के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ के मतलब सेफ स्कोर के अंदर समझ सकते हैं, आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसी के साथ में SC कैटेगरी के लिए भी वही 52 से 55 जो है आपका यहां पर जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, 52 से 55 अंदर के लिए आपका जो है सिलेक्शन रहेगा, आप खुद को सेफ मान सकते हैं। ST कैटेगरी के लिए यहां पर 55 कट ऑफ गई है। सो फ्रेंड्स 55 कट ऑफ गई है तो यहां पर आप जो है खुद को जो है 56 से और 60 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। यहां पर आपको फिजिकल की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। इसी के साथ में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाएगी वो फ्रेंड्स यहां पर 63 से 65 नंबर के बीच में जा सकती है, इससे ज्यादा कट ऑफ आपकी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये 101% श्योर है। एक्स-सर्विसमैन के कैंडिडेट के लिए जो यहां पर कट ऑफ रखी गई है
है वो 25 से 33 नंबर के बीच में कट ऑफ है। सो फ्रेंड्स 39 नंबर के बीच में कट ऑफ है। सो यहाँ पर जो है ओबीसी के लिए 39 कट ऑफ रखी गई है, तो 40 नंबर वाले कैंडिडेट जो है अपने फिजिकल की तैयारी, अपने फिजिकल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें। इसी के साथ में मतलब यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो 1 से 2 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी यहाँ पर नहीं बढ़ेगी। लास्ट आपकी कट ऑफ को जो है 5 नंबर तक बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ में हम बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। सो फ्रेंड्स फीमेल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के यहाँ पर 33 to 35 के बीच में जो है आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं अगर आपके इतने नंबर बन रहे। तो एससी कैटेगरी के लिए 39 से मतलब आपके यहाँ पर 39 से अगर 43 नंबर के बीच में नंबर बन रहे तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर हम बात कर लें तो एसटी कैटेगरी के लिए 40 से 45 नंबर के बीच में आपकी जो है यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। इसी के साथ में जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट का जो यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो 46 से और 48 नंबर के बीच में जो है आपका फॉर फीमेल कैटेगरी के लिए ओबीसी कैंडिडेट का रहेगा। एंड जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनका यहाँ पर जो है 50 से 55 नंबर के बीच में जनरल कैटेगरी का यहाँ पर जो है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ यहाँ पर निकल करके सामने आने वाली है। सो फ्रेंड्स ये आपकी जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होने, माँ सरस्वती की कृपा से आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको जो है अपने प्रिपरेशन की, अपने जो फिजिकल है उसकी प्रिपरेशन करनी है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इतनी जानकारी थी, जैसे भी कोई लेटेस्ट जानकारी निकल करके सामने आएगी, जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आएगा तो सबसे पहले आपको जो है हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, जानकारी को बता देंगे, साथ ही में पूरी तरीके से डिटेल वाइज आपको जो है उस शॉर्ट नोटिफिकेशन को दिखाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स अगर आप चाहते दिल्ली पुलिस से संबंधित या फिर किसी अन्य जॉब से संबंधित लेटेस्ट अपडेट, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। माँ सरस्वती की कृपा से आप हमारे चैनल को एकदम से फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही में इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई तो। सो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।